नमस्कार साथियों, भावनगर मंडल के ट्रैक मेंटर उन कर्मचारियों का जो इनटेक कोटे की मदद से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उन कर्मचारियों का भी इंतजार खत्म हो चुका है। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि कब भावनगर मंडल से नोटिफिकेशन निकलेगा इनटेक कोटे का, किन किन विभागों में कर्मचारी जा सकते हैं और आपने चूज के अनुसार कौन से डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कर्मचारियों को, जो उन कर्मचारियों तक ये बात पहुंचे जिससे उन कर्मचारियों को लाभ मिले। क्वार्टर मुंबई के द्वारा लेटर निकाला था इनटेक कोटे का, जिसमें भावनगर में चार डिपार्टमेंट वर्कशॉप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टीआरडी इलेक्ट्रिकल में चार विभागों में 10% के हिसाब से मतलब 59 ट्रैकमैनों को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, जिसमें मैं बता दूं कि 8 साल की सर्विस होना चाहिए। आपकी कितनी एज है वो कोई नहीं इसमें आकी गई है। नोटिफिकेशन कैसे निकलेगा मैं बताना चाहूंगा कि 22/4/2024 को जो हेडक्वार्टर मुंबई के द्वारा लेटर निकाला गया था, जिसमें पूरी जानकारी दे रखी थी, परंतु किसी कारणवश टेक्निकल या किसी भी कारणवश भावनगर मंडल 10% इनटेक कोटे का नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाया, परंतु वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल मंत्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने 10/5/2024 को मंडल के डीआरएम महोदय को एक पत्र जारी किया, जिसमें ये कहा गया था कि चार विभागों में 10% इनटेक कोटे की मदद से ट्रैक मेंटर अपना दूसरा डिपार्टमेंट चेंज कर सके, परंतु यहां पर नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है भावनगर मंडल में। परंतु मैं आपको बहुत ही बड़ी खुशी की बात बताने वाला हूं कि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने कि कोई भी ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी परेशान नहीं हो, जल्द से जल्द इनटेक कोटे की भर्ती निकले और वो फॉर्म रिज्यूम करे। इसमें कई ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जिसको आपको ध्यान रखना है, और मैं ये भी बताने वाला हूं कि कल जो मंगलवार है, कल 14 मई 2024 को नोटिफिकेशन निकल सकता है या फिर 15 मई 2024 को निकल सकता है, इसकी जानकारी आप सभी कर्मचारियों तक पहुंचाइए। इसमें 1800 ग्रेड का कर्मचारी या फिर 1900 ग्रेड का कर्मचारी भर सकता है, परंतु यहां पर एलिजिबल होगा 1800 ग्रेड का कर्मचारी जो इंतजार काफी समय से कर रहे थे। आप किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हो। आपकी केवल सर्विस 8 साल होना जरूरी है, परंतु इसमें यह भी कहा गया है कि 50% सीनियरिटी के अनुसार कर्मचारी को लिया जाएगा। जैसे मेरी 10 आदमियों की 8-8 साल सर्विस है, परंतु 10 आदमियों में से 1800 ग्रेड में सीनियर कौन है उसके आधार पर 50% में भी लिया जाएगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टीआरडी में, इलेक्ट्रिकल पावर में और मैकेनिकल सीएनडब्ल्यू में और वर्कशॉप में, तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि कल नोटिफिकेशन निकलेगा, लास्ट डेट कौन सी रहेगी और जो फॉर्म आएगा उसके बाद में पूरा वीडियो मैं बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है या ऑफलाइन भरना है। पूरी जानकारी कल या परसों के दिन जो नोटिफिकेशन निकलेगा 10% इनटेक कोटे का, उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो सभी तक पहुंचाए। जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।